पिछले एक महीने से ग्राम पंचायत जयपुर खीमा का धनपुर गांव लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहा है। फसलों को पानी न मिलने से खेत पूरी तरह सूख कर बंजर होते जा रहे हैं, जिसके चलते संकट गहराता जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मेरी ग्राम पंचायत के ग्राम धनपुर में जो 8 नंबर ट्यूबवेल है और जयपुर खीमा में ट्यूबवेल है जो सिंचाई के लिए इनका यूज़ करा जाता है। पेयजल में भी इसका यूज़ है, लेकिन कई समय से लो वोल्टेज के कारण पानी का सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मुझे सिंचाई के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जैसे काश्तकार लोग सिंचाई के लिए जाते हैं तो लो वोल्टेज की वजह से वो ट्यूबवेल ऑपरेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से टेल तक पानी जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ट्यूबवेल की, यहाँ ट्यूबवेल ये एक महीना हो गया लगभग, ये चल नहीं पा रहा है लो वोल्टेज की वजह से। तो हम लोग इसी ट्यूबवेल पर निर्भर हैं, बाहर का पानी यहाँ पर आ नहीं पाता है, ऊपर जैसे कैनाल का पानी। तो यहाँ पर पावर हाउस जाते हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास ऊपर से ही वोल्टेज कम है, हम इससे ऊपर वोल्टेज हमारे यहाँ कोई मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और हमारी गन्ने की फसल जो है बिल्कुल सूख चुकी है, कोई भी अफसर आके यहाँ पर आके देख ले तो गन्ना बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। विभाग का कोई कर्मचारी इधर झांकने को तैयार नहीं है और हमारे प्रधान जी जो हैं अथक प्रयासों में लगे हुए हैं। ये उन्हीं की देन है जो फसल बची हुई है, थोड़ी सी भी अगर इसमें स्टेबलाइजर लग जाए एक तो बहुत अति उत्तम है।